जय सत्यम गुरु जी। जय सत्यम आशीर्वाद गुरु जी। आजकल एक ट्रेंड से ही कहूँगा वो चल गया है, यूट्यूब पर तो खासकर से बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि है क्या कि जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में कालसर्प दोष है, ज़्यादातर कालसर्प दोष, पित्त दोष या कोई भी आदि आदि दोष है। यूट्यूब पर कई सारे चैनल हैं जहाँ पर कुछ टोटके बताए जाते हैं और वो टोटके इतने आसान होते हैं वो आराम से कोई भी कर सकता है। तो है क्या कि मान लो अगर कोई देवी को आराधना करता है तो वो देवी के टोटके बता देगा, कोई अगर हनुमान जी की आराधना करता है तो वो उनके टोटके बताएगा, मतलब अगर मान लीजिए कोई शिव जी करता है तो वो उनके टोटके बता देगा, मतलब जो जिस देवी देवता की आराधना करता है तो वो उस सामने वाले को उन्हीं के टोटके बताता है। अब यहाँ प्रश्न एक ये भी आता है कि क्या अगर मान लीजिए किसी के जीवन में कोई भी परेशानी कोई भी दोष है तो क्या इतना आसान है कि वो उस सरल टोटके से अपने उस कर्म को काट ले। जैसे तुम गुरु जी यूट्यूब पर देखा था, एक शास्त्री जी हैं वो बता रहे थे जैसे पितृदोष वगैरह बताए थे लोग, उन्होंने बताया था जैसे एक चावल का दाना है आप उस पर हाथ पर रख के और जल के बर्तन के पास जाइए और अपने ये कहिए कि मेरा पितृदोष शांत हो जाए, फिर उस चावल को जो जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो क्या उसी से पितृदोष शांत हो सकता है? और वैसे लोग बताए कि ये जाप कराओ, पूजा कराओ, ये कराओ, तो गुरु ये तो बड़ा सरलता उपाय है, क्या इससे ही हमें शांति मिल सकती है? देखो भक्तों और वैसे भी जो भी श्रोता हैं वो भी इस विषय को गंभीरता से सुने। जैसे बोले शिव पुराण वाले, तो शिव पुराण वाले ये बताएंगे कि दो गेंदे के फूल लेके शिव जी की पिंडी पे चढ़ा देना या शिव जी की पिंडी पे 21 बार जल चढ़ा, बार बार वही जल चढ़ा के उसे आचमन कर लेना या ऐसा उस पर कलावा बांध देना, आपके संकल्प का कलावा बांध देना, आपके ग्रह दोष बन जाएंगे, या उसमें गांठ मार के आपने 9 ग्रहों की गांठ मारी पीपल पे बांध देना और अपने या आपके नाप से यहाँ से लेके सिर की चोटी तक नाप लेके लाल और काले धागे का वो पीपल पे बांध आना और कुएँ के इतने चक्कर काट दो या खीर उसमें नदी में प्रवाहित कर दो या गोलियां डालते रहो नदियों में मछली चरेंगी और इस तरीके के आप अपने खाट के पास में ऐसे रखे सो जाएं, गिलास में पानी भर के रख लें, फिटकरी रख लें, ये लौंग रख लें, लौंग को यहाँ उतार के डाल दें पीपल के पत्ते पर या जो है आंखे के पत्ते पर राम नाम लिख दें, इस तरीके हनुमान जी पर डाल दें या शिव जी पर डाल दें या देवी पर चढ़ा दें आंखे के इन पर वो कर दें, यहाँ रात को दीपक जला दें, इनसे आपके ग्रह दोष नष्ट हो जाएंगे। पहले तो ये समझो कि अगर ईश्वर ने दो बातें, या तो तुमने कर्म लिखा है अपने कर्मों के अनुसार तुम खुद हो और या फिर भगवान ने लिखा, अगर भगवान ने लिखा है तो उसे कोई नहीं हिला सकता क्योंकि भगवान अरबों खरबों अनलिमिटेड टाइम के लिए सब लिख के गया, वो केवल एक आके तुमने उसे एक घंटी बजाई और एक दीपक इस तरीके से कर दिया शिव जी के आगे या विष्णु भगवान के आगे। या अब इसमें अगर देखोगे जो हमारे शत्रु है वो भी कर रहा है, वो भी कोई अनुष्ठान करा रहा है, बगलामुखी का है, विंध्यावासिनी का, इस तरीके के 10 महाविद्याओं में से किसी अनुष्ठान का है, तो वो भी आप पे कर रहा है, आप भी उसमें कर रहे हो, तो अभी इसमें ये प्रबलता देखो, प्रबलता किसकी है, आपकी भक्ति या उसकी विभक्ति के पक्ष है कि वो आपका बुरा करना चाहता है। तो अगर ईश्वर इसी चीज़ को लेके आएगा, आपने घंटी बजाई टन टन करके और एक ईश्वर आए बोले हाँ बच्चा बता, फिर वो अपने कंप्यूटर में देखेंगे तुम्हें, फिर मौनी या भाई कहाँ है मौन जी तुम्हारा, हाँ अरे वाकई में गलत किया है तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा प्रकोप हो गया, पर टक 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 दो उसमें चढ़ते हुए सबको करके वो तुम्हारे माफ़ कर देंगे, अरे ऐसे नहीं होता। और अगर तुमने कर्मों से कराए तो सीधी सी कर्मों के आधार को जान लो, कर्मों के आधार क्या है, देखिए मंगल है, जैसे मंगल क्या है हमारे कर्म है, शुभ और अशुभ कर्म, पूरे दिन 24 घंटे हमने क्या कर्म करा है, हमने एक भिखारी हमारे मांगने को आया हमने उसे प्रताड़ित करके कर दिया, या हमने कह दी कि ये भिखारी आया इसे हमने 2 रुपये दे दिए और उसने कही कि महाराज ये 5 रुपये चाहिए मुझे, तो हम इस पर झगड़ बैठे, अरे भाई ले पूरे दिन यही सब पड़े रहे मैं भिखारी, तो एक इस तरीके तो वो पहले से जब सोच के चला 50 गाली मिलेंगी, जब 50 रुपये मिलेंगे वो क्या आपको आशीर्वाद देगा। ठीक, अब आपके पास में जैसे आप कहीं मंदिर पे गए, पुजारी जी ने कही महाराज ये मंदिर बन रहा है इसमें आप कोई सहयोग करें, हाँ जी 101 की रसीद काट दी, अब मंदिर जो है ईंट ही नहीं आ रही, इतनी महंगी ईंट आ रही है, तो ये बताओ कि वो तुम्हारी 100 ईंट से गए तो तुम कहोगे नहीं नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता, तुम तो कह के चले गए। अब वो जब वहाँ बैठा है और खाली उसके नीचे बैठा होगा तो खुद पंडित जी तुम्हें ये समझेंगे कि भगवान बताओ मैं ऐसी जगह बैठा हूँ तो कुछ इंतजाम करो, एक भगवान कहो या उसकी जो खुद की भावना है वो तुम्हें दूषित करेगी, कुपित करेगी उसके अंदर से, तो ये हो गई।
ये हुए कर्म। कुत्ता जा रहा आपने कंकड़ मारा, दिन भर बैठे हुए पटरी पे बैठे उसको ट्रेन को पत्थर मारते रहेंगे या लोगों को मारते रहेंगे, ऐसी जगह पे बैठे रहेंगे लड़के जिस जगह से निकलने वाले को परेशानी हो गए, मंदिरों के सामने गाली गलौज हो रही है, ऐसी भिन्नता, ये है कर्म बात। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलोगे, और वो फल मिलेगा भैया कितने सालों से ऐसा कर्म करते हुए आ रहे हो हैं, तो उसका फल तुम्हें कैसा मिलेगा, मंगल तुम्हारा नीच का हो जाएगा। और अब जब कुंडली में आ जाएगा कि नीच का मंगल या उच्च का मंगल या मंगली दोष से ग्रस्त हो, तो फिर आपके किस भाव में मंगल बैठा हुआ है, पत्नी के भाव में बैठा हुआ है तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, लगन में बैठा हुआ है तो वो आपको किस तरीके से करेगा कि आपको क्रोध आएगा, किस बात पर कि आपको तुरंत चाहिए कोई चीज़, तो आप कर्म नहीं सुधार रहे, वाणी में आपके में दोष है, वो किसका प्रतीक है, बुद्ध का। तो बुद्ध आप बुद्ध व्यापार लेखन जो आपका प्रचार प्रसार इस सब पे, तो आपका प्रचार प्रसार का तरीका गलत है, आपका वाणी दोष है आपके अंदर गलत है, आप जो किसी को बोल रहे हैं वो सब जो गाली के साथ बोल रहे हैं, या आपकी ट्यूनिंग ही बातचीत की इस तरीके की नहीं है, उखड़ जाते हो आप, या आप ये कहते हो अरे हम तो भैया सरकारी नौकरी पे हैं, जो हमें तनख्वाह मिल रही है उतने में काम करते हैं, हम किसी की चमचागिरी नहीं करते, तो आप एक मनुष्यता के नाते भी किसी की सहायता नहीं कर रहे, तो आपका बुद्ध खराब हो गया, व्यापार में धोखा कर रहे हो, भाई भाई से धोखा कर रहा, जरा खूड के लिए लड़ रहे हैं, अब यह दोष हो गया। अब बुद्ध का तुम जाके हरा न्यार उसको खिला दो एक बिजार को, ये कैसे सही हो जाएगा हैं? शनि का मतलब है भाग्य, तो भाग्य का मतलब है बैंक में जैसा तुमने जमा करा है वैसा ही 7.5 साल में वो आपके ब्याज सहित वो आपको प्राप्त होगा, लोहा जमा करा है तुमने, बुरा कर्म जमा करा है ना, तो बुरा कर्म ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और तुमने एक दीपक जला दिया उसमें काले तिल डाल दिए, सरसों का तेल डाल दिया, माचिस की तिल्ली वहीं फेंकी आई, ये सब चीज करने पर तो तुम्हारा क्या व्यवस्था होगी भाई, क्या शनि सही कर देंगे तुम्हें, या थोड़ी देर ओम शम शनेश्वराय ने मैं 8 बेर कर लिया, तो इससे नहीं होगा। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है, स्त्री का कारक है, द्रव्य का कारक है, तुम्हारा ये लिक्विड है, दवाइयाँ हैं, अब वो आपने दवाइयों में घोटाला करा है तो आप किसी जन्म में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाओगे, या आप जो है पता चली कि एक्सपायरी डेट की दवाई खा गए हैं, या आपके पेट का जो हिस्सा है जो जहाँ जहाँ जल है वहाँ जलोदर हो गई आपको, या आपके अंदर से पानी जो है दूषित होकर फूट के निकला, आपके मस्तिष्क में कोई चीज़ जम गई हैं, चंद्रमा की इफेक्ट रन आई, तो वो कैसे इफेक्टिव करेंगे। अरे जब तुम्हारा कर्म ही खराब है तो उसे केवल जल शिव जी को चढ़ाने से या जो है सूर्य को जल देने से इससे कोई चीज़ नहीं होगी। हाँ इसमें लोग कहेंगे कि जी गुरु का संकल्प होता है, गुरु का भी संकल्प जब ही फलेगा जब आप जो है विशुद्ध हो गए, पहली बात कर्म तुम्हारे शुद्ध होने चाहिए, यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी हो, किताबें कितनी अच्छी हो, मास्टर कितना अच्छा हो, लेकिन अगर स्टूडेंट सही टाइम पर नहीं जा रहा, फीस भरवे फीस जमा कर देवे, पूरे दिन बैठा रहे, रटे नहीं उसे पढ़े नहीं, समझने की कोशिश ना करे, कितने ट्यूशन लगा लिए फेल होगा, फिर आप अरे हमारा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, तो ये तो फेल हो गया, तो इसमें किसका दोष, गुरु का नहीं है, गुरु तो समान विद्या दे रहा, तो विद्या समझना चाहिए, पूरी एक मोटी बुक्स होती है उसे तरीके से पढ़ा जाएगा, उसका एक पूरा वो बनाए जाएंगे नोट्स और उन्हें रटा जाएगा, उसके बाद कार्य होगा। तो ये नहीं कि तुमने 2 लौंग लेके उस पर कर दी, हाँ कभी कभी कुछ छोटी चीज़ें कहाँ कामयाब होती हैं, जहाँ डर रहे हो, भय का कारण क्यों है, राहु जो है वो आपका पूर्वजन्म का श्राप और पूर्वजन्म का वरदान, केतु पूर्वजन्म का श्राप पूर्वजन्म का वरदान, वो इस तरीके से जैसे ये जीवन चक्र है किस तरीके से, तो ये जीवन चक्र यहाँ से हमारी एंट्री हुई ये राहु है और ये आते हुए ये केतु है, समझे, या ऐसे अगर पूरा चक्र हम गिरेंगे तो ये जब राउंड आके यहाँ मैच करेगा तो यहाँ पे जहाँ से शुरू हुए वो राहु है और जब ये जाके एंड करेगा ये केतु है, टेल ये करके एक सर्प बन गया, जब ये दिखाया जाता कि सर्प जो है मुँह में अपने में पूछ दिए हुए सर्किल है, तो उसका अर्थ है कि वो आपको घेरे हुए सारे ग्रह, अभी जितने भी आपके 4-5 ग्रह उसके अंदर आ रहे हैं और या बाहर हैं उसके हिसाब से वो तोड़ा जाता है कि भैया काल सर्प दोष नहीं है, पितृ दोष नहीं है, या शनि के साथ राहु है, या चंद्रमा के साथ राहु है, पिशाच बाधा हो गई है, इस तरीके की चीज़ें वो एकदम इस तरीके से नहीं जाएंगी कि आपने कृष्ण जी को सुबह सुबह नहा दिया, देवी पर रोज चावड़ पर जाकर ये सब चीज़ डाल दी। आप अगर कर्म नहीं सुधारोगे तो गुरु को पहले अगर कर्म सुधारने की प्रेरणा नहीं से शुरू दे रहा तो व्यर्थ है,
समझे, आपने राम नाम उस पर लिख दिया, पत्तों पे, गुड़हल के पत्तों पे लिख दिया, उससे पूजा कर रहे हो, उसके नीचे बैठ कर रात भर लगे हुए मंत्र, कब करेगा? जब आपके अंदर विल पावर आएगी, सुबह उठोगे, स्नान करोगे, व्यवहार को सुधारोगे, तो वह साधना के साथ साफ कहा गया दस दोष। साधना में ये दसों दोष, अनेकों प्रकार के दोष हैं, वो सब कहा गया कि पिता से, माता से, भाई से, छोटे से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, सामाजिक तौर पे, जीव जंतु से, इनसे इन्हें प्रताड़ित ना करें या ऐसी भाषा ना बोले जिससे इनमें प्रताड़न पैदा हो, ये शाप है। तो पहले इस व्यवहार को अगर सुधारोगे तो तुम्हारे गृह सुधार जाएंगे। और ये जो लोग जाते हैं कि ऐसा कोई छोटा सा बाबा से घंटा बता दे, कोई ताबीज दे देवे, उसमें यंत्र भर दूं, पितृ गायत्री करवा लूं, अब ये गुप्त नौराशि चल रही है, इसमें घनघोर साधना चल रही है, ज़्यादातर 99.99% अहित के भावना से साधना कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि हम अहित करें, कोई देवी हम पर प्रसन्न हो जाए, वो तो माँ है या पिता है, वो कैसे निष्ठर सकता, समझे? तो इसी तरीके सूर्य हो गई, वो आत्मा का प्रतीक है। आत्मा शुद्ध रखो भैया, आत्मा कर्मों के आधार पर शुद्ध होगी। वो दोष जो लेके आई है, पहले तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, कितना ही जोड़ लगाने ने वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो गुरु लोग किसी चीज़ को कृपा बता के, भूत भविष्य बता के, ज्योतिष से बता के, रियलिटी में कर्मों के सिद्धांत को आप पे प्रतिपादित करते हैं, जिससे अपने कर्मों को सुधारो। जितना आपका कर्म सुधर जाएगा, सुबह उठोगे, अपने दातुन करो वगैरह, ये सब चीज़ जो आचार व्यवहार है, मौसम के हिसाब से खाना खाओ, ये नहीं झंडा भर लिया, टाइम से सो हैं, और तुम क्या कर रहे हो, एन्जॉय में लगे हुए हो, खाना खा लिया, अब उसी खाने में न टहल पा रहे हो, 10-11 बजे आप खाना खा रहे हो, फिर ये कह रहे हो कि मैं ये खा लूँ वो खा लूँ, और आपका जो है प्रताड़ित हो रहे भोजन, और फिर क्या करो, मेरा चंद्रमा कमजोर है, भोगनी सहन करी जा रही है मुझको। तो भैया पहले सुधार करो इस तरीके से, ये जितने भी बाबा जी बता रहे हैं या जो भी कुछ इस तरीके का महात्मा सत्संग कर रहे हैं, उन्हें व्यवहारों पे ध्यान दिलवाना चाहिए भक्तों को, कि व्यवहारों पे ध्यान दो, कर्मों पे अपने पे ध्यान दो। कर्म सुधारे बगैर दो फूल शिव जी पर चढ़ाना या शिवलिंग पर पंचामृत की पूजा करनी वगैरह फलित नहीं होगी, समझे? तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आप इसे समझें सूत्र को, कर्म बात को समझें, तो सीधा साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोया वैसा काटोगे। तो इस सिद्धांत के साथ इसे समझें और तरीके को, ज्ञान को विकास करें, अपना ध्यान योग करें, व्यवहार सुधारें, योगाभ्यास करें, उससे आपका तन मन शुद्ध होगा। और ये नहीं कि जिम चले गए और पाउडर खा रहे हैं, कसरत कम कर रहे हैं, तो आप जो है मारे जाओगे, सीधी सी बात है, नुकसान उठा लोगे। देखी देखे साधे योग, छीजे काया बढ़े रोग। तो इस भावना के साथ मैं कहूँगा अपने कर्मों को सुधारें, आशीर्वाद करता हूँ, ज्ञान समझ में आया होगा, कोई प्रश्न होगा फिर उत्तर दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।